देखे ना, जिनसे अल्लाह नाराज होता है उनको तो ये साइन ही नहीं मिलते, वो तो फुल मजे में होते हैं, उनको ना कोई मुसीबत आती ना कोई प्रॉब्लम आती। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि इनका जो मज़ा है, इनका खाना पीना, इनकी अयाशी आपको धोखे में ना डाले। ये अल्लाह ताला इनको ढील दे रहा है, यानी अल्लाह इनसे इस हद तक नाराज हो चुका है कि अल्लाह इनकी केयर ही नहीं कर रहा। जिस शख्स से अल्लाह नाराज हो जाता तो फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि फिर अल्लाह ताला उसकी वो भटकता रहे और वो जिस वादी में मरे अल्लाह को उसकी कोई फिक्र नहीं है। ये है असल में वो शख्स बदबख्त। और ये कौन है? वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़ानसाहुम अन्फुसाहुम। क्या तूने देखा उसको जो अल्लाह को भूल गया तो फिर अल्लाह ने उसको उसका आप भुला दिया। उलाइका हुमुल फासिकुन, यही तो फासिक है। तो इसलिए ये मत सोचे कि अल्लाह ने आपको भुला दिया। अगर अल्लाह किसी को नापसंद करता है तो अपने करीब क्यों लाएगा, मुझे ये बताएं। ठीक है ना, एक बंदा कहीं और जा सकता है, क्लास में आ गया, दीन का लेक्चर सुनने आ गया, क्या ये निशानी नहीं है कि अल्लाह उससे राजी है? वरना तो अल्लाह ताला चाहता उसे कहीं और ले जाता, अल्लाह उसकी केयर छोड़ देता। अगर एक बंदा गुनाह में और वो दुआ किए जा रहा है अल्लाह से कि अल्लाह मुझे किसी तरह निकाल दे इससे, तो अल्लाह ताला उसको शायद कोई गम भेज दे, कोई टेस्ट और ट्रायल में डाल दे और वो बंदा अल्लाह के करीब आ जाए। अल्लाह से उम्मीद लगानी है, इंसानों से नहीं। बीच में कोई फिर वो शिर्क नहीं होना चाहिए, बीच में नहीं कोई होना चाहिए एंटिटी, सारी की सारी उम्मीद अल्लाह ताला से है। फिर आप देखें अल्लाह ताला जल्द आपको ऐसी चीज़ दे देगा कि आपका गम अल्लाह हल्का कर देगा।